हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं चैनल पर एफएमसी सीरीज़ की कॉमिक एडवेंट ऑफ डार्कनेस, जो कि एपोकैलिप्स का अगला भाग है। गॉथम सिटी। ब्रूस, मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। शक्तिमान ने भी हमें बहुत आगाह किया, मानो जैसे अपने भविष्य की कोई झलक देख ली हो, जो कि बहुत भयानक है। द बैट केव। जानता हूँ ये बहुत गलत हुआ है, पर हमारे पास और कोई चारा नहीं था। थॉर की भी ये मजबूरी थी और हमारी भी, लेकिन तुम इतने बेचैन क्यों? क्योंकि उस रुद्राक्ष ने मुझे कुछ दृश्य दिखाए थे जो शायद इस समय के नहीं थे। मानो वो रुद्राक्ष मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो, मुझसे कुछ करवाना चाह रहा हो। पर क्या? तो तुम्हें उन दृश्यों का रहस्य जानना है? मेरे पास एक तरीका है। क्या? ध्यान से सुनो। बैटमैन सुपरमैन को कुछ बताता चला गया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, कोई भी एक चुन लो। मैंने तो चुन लिया है। थोड़ी देर में वंडर वूमेन भी आती होगी, फिर हमें एवेंजर्स के साथ चलना है एस्गार्ड, जहाँ सभी सुपर हीरोज वह रुद्राक्ष लेकर पहुँच चुके हैं। जब किस्मत साथ देती है तो सभी काम अपने आप हो जाते हैं। ये अभी एक साथ एस्गार्ड आ गए हैं, इससे अच्छी बात और क्या होगी। लोकी, लो ये रुद्राक्ष, हमने अपना वचन पूर्ण किया, अब तुम भी अपना वचन निभाओ। अवश्य मेरे भाई, मुझे भी अपना वचन पूर्ण करना है, किंतु वह वचन जो मैंने तुम्हें नहीं किसी और को दिया है। टीम एफएमसी प्रेजेंट एडवेंट ऑफ डार्कनेस। पूर्वसार। नागद्वीप में महात्मा कालदूत की निगरानी में रखे हुए रुद्राक्ष को प्राप्त करने के लिए एवेंजर्स और जस्टिस लीग योजनाबद्ध तरीके से भारत पहुंचती है। योजना अनुसार दिल्ली में आयरन मैन परमाणु से, कैप्टन अमेरिका तिरंगा से और वंडर वुमेन शक्ति से टकराते हैं, और मुंबई में डोगा से टकराने के लिए पहुँचता है बैटमैन। आसाम के जंगलों में हल्क जा भिड़ता है भेड़िया से। राजनगर में सुपर कमांडो ध्रुव से टकराने के लिए पहुँचता है ब्लैक पैंथर, और नागद्वीप जा पहुँचता है सुपरमैन। सुपरमैन आते ही वहाँ कोहराम मचा देता है। रुद्राक्ष की शक्तियों को जानने के लिए महात्मा कालदूत घोर समाधि में लीन थे, जिसके कारण वे युद्ध में भाग नहीं ले पाते। राजकुमारी विसर्पी और सभी नाग सैनिक सुपरमैन को परास्त करने में असमर्थ होते हैं। मदद के लिए विसर्पी नागराज को बुलाने के लिए मानसिक संदेश भेजती है। संदेश मिलते ही नागराज तुरंत नागद्वीप की ओर जाने लगता है, कि तभी नागराज का रास्ता रोके खड़ा होता है ओडिन पुत्र, और तब नागराज शक्तिमान को विसर्पी की ओर नागद्वीप की सहायता के लिए भेज देता है। शक्तिमान जा टकराता है सुपरमैन से और शुरू होता है महासंग्राम। आयरन मैन अपने एक दूसरे आर्मर की मदद से परमाणु को बेबस कर कैप्टन अमेरिका के पास पहुंचता है, जहां तिरंगा पहले से ही रहस्यमय तरीके से बेहोश हो चुका था। हल्क भेड़िया को बेहोशी के डांट से बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। वंडर वुमेन भी शक्ति को उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर बेहोश करने में कामयाब हो जाती है। कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन अब पहुँचते हैं मुंबई, जहां बैटमैन से लड़ते हुए डोगा पर आयरन में बेहोशी वाला डार्ट से हमला करता है, जिससे डोगा तुरंत बेहोश हो जाता है। राजनगर में ब्लैक पैंथर भी सुपर कमांडो ध्रुव को हराने में कामयाब हो जाता है। ब्लैक पैंथर बैटमैन और थॉर को छोड़कर बाकी सभी सुपर हीरोज सुपरमैन की मदद करने के लिए नागद्वीप जा पहुँचते हैं, और सभी टकराते हैं शक्तिमान से, लेकिन शक्तिमान वहाँ सब पर भारी पड़ता है। इधर महानगर में थॉर और नागराज की भयंकर जंग छिड़ी हुई थी, तभी बैटमैन और ब्लैक पैंथर भी महानगर पहुँचते हैं। नागराज थॉर को लगभग हरा ही चुका था कि तभी पीछे से बैटमैन एक विशेष तरह की डार्ट से नागराज को बेहोश कर देता है, और बैटमैन शक्तिमान को बेहोश करने के लिए नागराज के शरीर से थोड़ा सा जहर निकाल लेता है और थॉर को नागद्वीप भेज देता है। वहाँ शक्तिमान अकेला आयरन मैन, सुपरमैन, ब्लैक पैंथर, वंडर वुमेन और कैप्टन अमेरिका को हरा चुका था। तभी बैटमैन वहाँ पहुँचकर शक्तिमान को धोखे से बेहोश करने में कामयाब हो जाता है, और सुपरमैन रुद्राक्ष लेने में सफल हो जाता है। लेकिन रुद्राक्ष को छूते ही सुपरमैन को कुछ दृश्य नज़र आते हैं, जिन्हें देखकर सुपरमैन परेशान हो जाता है। यहाँ तक पढ़ा था आपने पिछले दो अंकों एपोकैलिप्स और क्लैश ऑफ द गार्जियंस में। अब आगे, सॉरी गाइस, ये जो पार्ट है वो क्लैश ऑफ द गार्जियंस का है, एपोकैलिप्स का नहीं है। नागद्वीप, जहाँ सभी ब्रह्मांड रक्षक पहुँच चुके थे। तो ये है शक्तिमान। यहाँ तो सिर्फ शक्तिमान है, एवेंजर्स और जस्टिस लीग वाले कहाँ चले गए? शायद उनका काम पूरा हो गया होगा। ये अब होश में आ रहा है। नागराज, मुझे माफ़ करना,
मैं भोकाल की अमानत और रुद्राक्ष की रक्षा नहीं कर पाया। कोई बात नहीं मित्र, तुमने नागदीप की रक्षा करके अपना वचन तो पूरा किया और रुद्राक्ष को भी हम जरूर ले आएंगे। गुरु, भोकाल, रुद्राक्ष, इन सब का क्या चक्कर है नागराज? यहाँ इतनी बड़ी जंग छिड़ी थी, फिर भी महात्मा कालदूत और नागमानव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैंने सभी नागमानवों और विसर्पी को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है और महात्मा कालदूत अभी भी समाधि में लीन है। वो तो महात्मा है, एक बार समाधि में लीन होने पर उनकी समाधि कब टूटेगी यह तो वही जाने। उन्हें रुद्राक्ष की शक्तियों और विशेषताओं के बारे में जानने के लिए मैंने और शक्तिमान ने ही आग्रह किया था। रुद्राक्ष की शक्तियों को जानने के लिए ही वो समाधि में लीन हुए थे। और रही भोकाल और रुद्राक्ष की बात, तो उसके लिए मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। नागराज ध्रुव को भोकाल और रुद्राक्ष के बारे में बताता चला गया और फिर भोकाल रुद्राक्ष हमें देकर सिया के साथ वर्ल्ड टूर पर निकल पड़ा। वाह, भूतकाल से आते ही यहाँ गर्लफ्रेंड भी बना ली, क्या बात है। वो सब योजना बनाकर आए थे, हमारी ताकत हमारी कमजोरी सबकी अच्छी तरह रिसर्च करके आए थे। और हमें भी कोई प्लान बनाना होगा, लेकिन ये जगह ठीक नहीं। हम सब ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर चलते हैं, वहीं कुछ सोचेंगे। रुद्राक्ष और भोकाल के विषय में जानने के लिए पढ़ें FMC की कॉमिक्स ऐलान और जंग, जो कि चैनल पर अपलोड है। ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर, तो ये है ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर। आगे का क्या प्लान है दोस्तों? हम सभी जानते हैं कि हम पर योजनाबद्ध तरीके से हमला हुआ है, और वह भी तब जब हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसलिए वह लोग अपने उद्देश्य में कामयाब हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता उनकी जीत हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग मजबूरी में कर रहे थे, या ज़रूर कोई बहुत बड़ा खतरा है। कारण जो भी हो, वह रुद्राक्ष हमें किसी भी हालत में लाना ही होगा। वह भोकाल की अमानत, और वैसे भी उन्हें रुद्राक्ष की शक्तियों का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। और रही बड़े खतरे की बात, तो उससे हम साथ मिलकर निपट लेंगे। उन लोगों को रुद्राक्ष की शक्तियों का अंदाज़ा शायद ना हो, पर जिसके हाथ की वो कठपुतली बनकर आए थे, शायद उसे रुद्राक्ष की शक्तियों का पूरा अंदाज़ा है। तुम सही हो ध्रुव, मात्र हमें ही रुद्राक्ष की शक्तियों का ज्ञान नहीं है, हमें सच पता लगाना है। उसके लिए हमें न्यूयॉर्क स्टॉक टावर जाना होगा, क्योंकि उन सब की बातों से लगता है टोनी ही सबका लीडर है। पर समस्या यह है, वह जाया कैसे जाए? एक तो वह दूसरा देश है, ऊपर से हमने ऐसे कई लोग तो उड़ भी नहीं सकते। फिक्र मत करो शक्तिमान, हम सबको वहाँ ले जा सकते हैं अपनी कुंडलिनी शक्ति से, वह भी पलक झपकते ही। मैं कर सकता हूँ, पर उससे पहले स्टॉक टावर ढूंढता हूँ। आप सब लोग अपनी ज़रूरत का सामान ले लो, थोड़ी देर में मैं सभी को स्टॉक टावर में लेकर चलता हूँ। अवेंजर्स टावर, न्यूयॉर्क। शक्तिमान ने सभी सुपर हीरोज़ को हमें अवेंजर्स टावर में टेलीपोर्ट कर दिया। शक्तिमान कहाँ है? अरे हाँ, शक्तिमान कहाँ रह गया? थोड़ी देर बाद कुछ मिला यहाँ पर? नहीं, पर तुम कहाँ रह गए थे शक्तिमान? कहीं नहीं, बस कुछ काम था। अचानक वहाँ टोनी स्टार की आवाज़ गूंज उठी। वेलकम ब्रह्मांड रक्षकों, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। बिना समय गंवाए काम की बात पर आता हूँ। तुम लोग हमें दुश्मन समझ रहे होगे, लेकिन यकीन करो हम दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। हमें तुम लोगों की हेल्प चाहिए, क्योंकि ये सब हमने मजबूरी में किया थॉर के लिए। थॉर के पिता यानी ओडिन अपनी शक्तियों को पुनः एकत्रित करने के लिए एक लंबी नींद लेते हैं, जिसे ओडिन स्लीप कहते हैं। इस दौरान थॉर को किसी कारणवश एसगार्ड से जाना पड़ा। थॉर की गैर मौजूदगी, उसके भाई लोकी ने ओडिन को अपने जादू से कहीं गायब कर दिया और किसी अनजान शक्ति के साथ मिलकर पूरे एसगार्ड पर कब्जा कर लिया। और फिर लोकी ने ओडिन के बदले वह रुद्राक्ष मांगा, जिसे हम ले आए। थॉर ने हमसे मदद मांगी एक गॉड को बचाने के लिए, और उसके दोस्त होने के नाते हमने उसकी मदद की। अब यह रुद्राक्ष लेकर हम एसगार्ड जा रहे हैं। यह रुद्राक्ष जरूर कोई बहुत बड़ी शक्ति है, जिसे लोकी और वह अनजान ताकत हासिल करना चाहती है, और हमें मजबूरन इसे उन्हें सौंपना होगा। लोकी बहुत शातिर जादूगर है, मुझे लगता है वहाँ जाकर हम ना रहें, हो सकता है हम बदल जाएं, हम पर कोई जादू हो, क्योंकि लोकी कई बार थॉर पर जादू से काबू कर अपना गुलाम बना चुका है। यदि ऐसा हुआ तो वादा करो तुम हमें रोकोगे। अगर तुम हमारी मदद के लिए एसगार्ड आना चाहते हो, तो आसमान की तरफ देखकर हैंडल से बायफ्रॉस्ट खोलने के लिए बोलना। वह अभी भी हमारे साथ है और लोकी से छुपा हुआ है, वह तुम्हें एसगार्ड टेलीपोर्ट कर लेगा। यह वीडियो नागराज की शक्तियों को स्कैन करके ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुई है और नागराज के जाते ही नष्ट हो जाएगी। अब सब कुछ तुम लोगों के हाथ में है, मुझे लगता है कुछ बहुत गलत होने वाला है।
तुम सब अपने आप को ब्रह्मांड रक्षक कहते हो ना, तो अब ब्रह्मांड की रक्षा करने का समय आ गया है। क्या हमें इसकी बात मानकर वहां जाना चाहिए? कहीं इन लोगों की कोई चाल तो नहीं है? मुझे तो टोनी की बातों में सच्चाई लगती है, क्योंकि राजनगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ब्लैक पैंथर ने एक बहुत बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया है, जैसा कि हम सुपर हीरोज़ करते हैं, इसलिए हमें जाना चाहिए। चाल हो या ना हो, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर टोनी की बातों में ज़रा भी सच्चाई है तो पूरा ब्रह्मांड खतरे में पड़ सकता है। तुम क्या कहते हो नागराज? वो रुद्राक्ष महादेव ने तिलिस्म देव को और तिलिस्म देव ने भोकाल को दिया था। वो रुद्राक्ष भोकाल की अमानत थी हमारे पास। उस रुद्राक्ष की शक्तियाँ अनंत हैं, जिसका नमूना मैं और शक्तिमान देख चुके हैं। टोनी की बातों में सच्चाई हो या ना हो, रुद्राक्ष तो हमें वापस लाना ही होगा। अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो उसे सही भी करना होगा। उन्होंने मदद मांगी है तो मदद मिलेगी, हमें वहाँ जाना ही चाहिए। तुम्हारी बात तो ठीक है नागराज, लेकिन मैं साथ नहीं चल सकता। मुझे लगता है यहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। क्या होगा अगर खतरा यहाँ धरती पर हुआ, या ये सब कोई चाल हुई, तो कोई तो होगा उस खतरे को टोकने वाला। बात तो तुम्हारी सही है शक्तिमान, लेकिन क्या तुम अकेले उस खतरे का सामना कर पाओगे जिसकी तुम्हें आशंका है? शक्तिमान की शक्तियाँ अनंत है ध्रुव, अगर तुम यहीं रुकना चाहते हो तो शायद यही सही होगा। शक्तिमान, हम सब एसगार्ड जाते हैं। हेमडाल, हम तैयार हैं, हमें सुन रहे हो? बायफ्रॉस्ट ओपन करो। हेमडाल ब्रह्मांड रक्षकों के कहने पर बायफ्रॉस्ट चालू कर देता है। एक तेज रोशनी सभी ब्रह्मांड रक्षकों को अपने अंदर समाहित करके अपने साथ ले चलती है। एसगार्ड में तुम्हारा स्वागत है ब्रह्मांड रक्षकों, मैं हेमडाल हूँ। ना मेरे पास अपने बारे में ज़्यादा बताने का समय हो, ना ही तुम्हारे पास सुनने का, इसलिए संक्षिप्त में बताता हूँ। लोकी ने पूरे एसगार्ड पर कब्जा कर लिया है। किसी अनजान शक्ति की सहायता से उसने एवेंजर्स और उसके साथियों को जादुई छड़ी से गुलाम बना लिया, और तुमको भी अपना गुलाम बना सकता है, इसलिए संभल कर रहना। नागराज को शायद वह अपना गुलाम नहीं बना पाए, क्योंकि नागराज महासम्मोहन शक्ति का धारक है और साथ ही ज़बरदस्त इच्छा शक्ति का मालिक भी हो सकता है, लेकिन लोकी से जादू से तो स्वयं ओडिन भी नहीं बच पाए हैं। तो मैं वहाँ न सिर्फ लोकी को रोकना है, बल्कि सभी को लोकी के जादू से स्वतंत्र भी कराना है। तभी तुम उस बुरी शक्ति को रोक पाओगे जो लोकी के साथ है। अब तुम सबको शीघ्र जाना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। सभी ब्रह्मांड रक्षक आगे बढ़ चले। क्या लगता है वह जो बोल रहा है सच बोल रहा है? पता नहीं, पर हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठा सकते। पर नागराज, तुम पर तो उसका सम्मान बेअसर साबित हो सकता है। शायद, रुको, मेरे पास एक प्लान है। ब्रह्मांड रक्षकों ने कुछ ही दूरी तय की थी, तभी आओ ब्रह्मांड रक्षकों, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। तुम सब टोनी के कहने पर यह आए, और मैं यही चाहता था कि अभी तुम लोग यहाँ आओ, ताकि मैं तुम लोगों का मुकाबला अपनी आँखों से देख सकूँ। तिरंगा, तुम्हें बेहोश करने वाला मैं ही था। दरअसल मुझे तुमसे और ध्रुव से थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ था, और मैं नहीं चाहता था न्यूयॉर्क से पहले तुम लोगों को मेरी ज़रा भी भनक लगे। लेकिन ब्लैक पैंथर उस आग की आड़ में ध्रुव को सब कुछ बताने में कामयाब हो गया, और ध्रुव ने भी बड़े शानदार तरीके से हारने का नाटक किया। ध्रुव या तिरंगा को मेरे बारे में बताने का प्लान टोनी का ही था, ये मुझे पता था। फिर भी तुम सबको यहाँ लाने का प्लान, मेरा प्लान पूरा हो ही गया। अब समय ख़राब मत करो, मेरा मनोरंजन करो, लड़ो आपस में, और याद रखना अब ये लोग तुम लोगों की जान लेने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि अब ये सब मेरे गुलाम हैं। हम लोग तुम्हारा मनोरंजन करने ही आए हैं लोकी, और ऐसा मनोरंजन करेंगे कि भविष्य में तुम्हें कभी मनोरंजन की आवश्यकता नहीं होगी। शुरू हो जाओ ब्रह्मांड रक्षकों। रक्षक एक बार फिर आपस में टकरा गए। सभी ध्यान रखें, सभी भाले की भले ही अभी हमारे प्रतिद्वंदी हैं, पर ये सब भी हमारी तरह ही अपने अपने क्षेत्रों के रक्षक हैं, इसलिए इन पर प्राण घातक हमला कोई ना करे। वो सब तो ठीक है, पर इन्हें लोकी के जादू से कैसे मुक्ति किया जाए, क्योंकि इस समय वह हम पर प्राण घातक हमला करने से नहीं हिचकिचाएंगे। इन सब पर जादू द्वारा घातक सम्मोहन किया गया है, जिसे शायद बहुत तेज बिजली के झटके से दूर किया जा सकता है। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत पाओगे? बिल्कुल लगता है। सुना है इसके पास भी मेरी तरह कोई सुपर पावर नहीं है, किंतु इसकी फाइटिंग स्किल बहुत स्ट्रांग है। भेड़िया मानव, तुम हमारे सामने अधिक समय तक नहीं टिक पाओगे। भेड़िया देवता की गदा तुम्हारा घमंड और तुम्हारे ऊपर चढ़ा यह जादू दोनों तोड़ देगी। हे भेड़िया देवता, मदद!
अगर कुछ टूटेगा तो केवल तुम्हारे शरीर की हड्डियाँ। कोशिश करके देख लो, आज तक तो कोई तोड़ नहीं पाया। भेड़िया की गदा और थौर के हथौड़े के ज़बरदस्त टकराव से पूरा एसगार्ड थर्रा उठा। यह हरा दाना तो मुझसे अधिक शक्तिशाली लगता है, शायद मैं इसके सामने अधिक समय तक ना टिक सकूं, किंतु इसे इतना व्यस्त तो कर ही सकता हूं जिससे नागराज को अपने मकसद में कामयाब होने का पर्याप्त समय मिल सके। यह शारीरिक शक्ति में मुझसे अधिक शक्तिशाली ज़रूर है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। हाँ, इसके जितना तो नहीं, पर एक इच्छाधारी नाग होने के कारण मुझ में अपनी ही कुछ विशेष शक्तियाँ हैं, और मुझे उन शक्तियों का इस पर भरपूर प्रहार करना होगा। इसे अपने आसपास भी नहीं फटकने देना होगा, क्योंकि इसका एक प्रहार भी मुझे अत्यधिक हानि। नागराज का ये इच्छाधारी सर्प हल्के के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। अब या तो मुझे वंडर वुमन को जल्द हराना होगा, या अपना एक प्रतिरूप उस इच्छाधारी सर्प की मदद के लिए भेजना होगा। किंतु समस्या यह है कि मैं वंडर वुमन पर ज़्यादा शक्तिशाली प्रहार नहीं कर सकती। फक शक्ति वंडर वुमन पर घातक प्रहार नहीं करना चाहती थी, लेकिन वंडर वुमन शक्ति पर घातक प्रहार करने का मौका भी गंवाने के मूड में नहीं थी, और साथ ही वंडर वुमन अन्य ब्रह्मांड रक्षकों पर भी नज़र रखे हुए थी। लेकिन अन्य ब्रह्मांड रक्षक भी एक दूसरे पर नज़र रखे हुए थे। क्या कर रहे हो ध्रुव, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी? थोड़ा आगे पीछे भी ध्यान रखा करो यार। क्या कर रहे हो परमाणु, तुमसे भी ये उम्मीद नहीं थी? थोड़ा आगे पीछे भी ध्यान रखा करो, वरना मेरी तरफ कोई भी हमला कर देगा, इसलिए बचकर रहा करो, स्पेशली मुझसे बचकर तुम्हें रहना चाहिए टोनी। बस बहुत हुआ, शक्ति का क्रोध उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। अब इस लड़ाई का अंत मुझसे करना ही होगा, तो मैं इतना मारूंगी कि लोकी के जादू का असर तुम्हारे सर से उतर जाएगा। जितना उछल कूद करोगे कैप्टन, बस तो तुम तब भी नहीं पाओगे। ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ये तिरंगा पहले से ज़्यादा फुर्तीला लग रहा है, और साथ ही पहले से ज़्यादा सतर्क भी। तिरंगा को देखकर सिर्फ कैप्टन अमेरिका ही नहीं, बल्कि लोकी भी अचंभित था। ज़रूर कहीं ना कहीं मुझसे कोई चूक हुई है, क्योंकि एक तरफ नागराज ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, और ये तिरंगा पहले से ज़्यादा ताकतवर। कुछ तो गड़बड़ है। खैर, जो मुझे चाहिए वो मुझे भरपूर मात्रा में मिल रहा है। ये पहले से ज़्यादा ताकतवर भी लग रहा है, लेकिन मुझे इसे हराना तो है। मैंने इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली लोगों को धूल चटाई हो। लड़ाई टक्कर की थी, कोई भी हार नहीं मानने वाला था, न कैप्टन अमेरिका और ना ही तिरंगा। लोकी की लगाई इस आग में मानो जैसे सभी रक्षक भस्म हो जाएंगे, क्योंकि ना चाहते हुए भी सभी आपस में लड़ रहे थे। न जाने क्या अंजाम होगा इस जंग का। तुझे हराने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी काले बिल्ले, बिल्ला नहीं ब्लैक पैंथर बोल, और कुत्ता चाहे कितना ही खूंखार क्यों ना हो, पैंथर का शिकार कभी नहीं कर सकता। ये कुत्ता थोड़ा अलग है काले बिल्ले, ये कुत्ता तेरे जैसे कई पैंथरों को चीर फाड़ने की हिम्मत रखता है। डायलॉग अच्छा बोल लेता है तू, लेकिन तेरे ये गोला बारूद खरोंच भी नहीं पहुंचा सकते मुझे। फाक, फिर तो तेरी किस्मत में मेरे हाथों पिट पिट कर अधमरा होने ही लिखा है। कौन किसे अधमरा करता है ये अभी दिखाता हूं तुझे। भेड़िया, तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो, किंतु हम थोड़े अधिक हैं। मैं इस पर घातक वार नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर लोकी के जादू का असर है, लेकिन थोड़ी बहुत चोट तो दे ही सकता हूँ। भेड़िया घातक वार नहीं कर सकता था, लेकिन थौर घातक वार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था। तुमसे लड़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, जब तक सामने वाला दमदार ना हो हमें मुकाबले में ज़रा भी मज़ा नहीं आता। सभी सुपर हीरोज़ को देख कर लग रहा था कि यह लड़ाई लंबी चलने वाली थी, लेकिन ध्रुव नहीं चाहता था यह लड़ाई लंबी चले। मुझे यही कोशिश करनी होगी कि हमारी लड़ाई कम से कम समय तक चले, क्योंकि नागराज के बताए अनुसार वो रुद्राक्ष पुण्य शक्ति या असुरी शक्तियों के टकराव से ही चलता है, और रुद्राक्ष इनके पास ही है। तुम्हारी ताकत तुम्हारा दिमाग है, पर वह तभी काम करेगा जब मैं करने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतना घायल कर दूंगा जिससे तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे शरीर के दर्द से ही आज़ाद नहीं हो पाएगा। कोई प्लान बनाना तो दूर की बात है। कह तो ये सही रहा है, और लड़ने का तरीका भी शानदार है, लेकिन मुझे कोई प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पहले से ही बन चुका है।
हम तो बस इनसे इसलिए लड़ रहे हैं ताकि लोकी जस्टिस लीग और एवेंजर्स को आपस में लड़ाकर सत्य ऊर्जा हासिल करने की ना सोचे, क्योंकि यदि इस समय ये आपस में लड़ेंगे तो जरूर इनमें से कोई किसी की जान ले लेगा। हमें जितना हो सके उतना कम लड़ना है, बाकी सभी से भी बोल दिया है अपनी पावर्स का कम से कम प्रयोग करें। यदि प्लान कामयाब रहा तो हम इन सभी को लोकी के जादू से आज़ाद करा सकते हैं। वैसे भी हमें सिर्फ थॉर को जादू से आज़ाद कराना होगा और फिर थॉर इन सबको आज़ाद करा सकता है नागराज की मदद से। और हम कामयाब हो सकें इसके लिए बैटमैन को इन सब से दूर रखना होगा, क्योंकि हमारे प्लान की ज़रा भी भनक खतरनाक साबित हो सकती है। अच्छा लड़ लेते हो ध्रुव। अब इस प्लान का दारोमदार सिर्फ नागराज और तिरंगा पर है। हमें जितना हो सके उतना कम लड़ना है, बाकी सभी से भी बोल दिया है अपनी पावर्स का कम से कम प्रयोग करें। यदि प्लान कामयाब रहा तो हम इन सभी को लोकी के जादू से आज़ाद करा सकते हैं। वैसे भी हमें सिर्फ थॉर को जादू से आज़ाद कराना होगा और फिर थॉर इन सब को आज़ाद करा सकता है नागराज की मदद से। और हम कामयाब हो सके इसके लिए बैटमैन को इन सब से दूर रखना होगा, क्योंकि हमारे प्लान की ज़रा भी भनक खतरनाक साबित हो सकती है। अच्छा लड़ लेते हो ध्रुव। अब इस प्लान का दारोमदार सिर्फ नागराज और तिरंगा पर है। एसगार्ड के एक दूसरे स्थान पर, यह एसगार्डियन तो बहुत ही बड़ा ही फुर्तीले और ताकतवर है, नागराज भी न जाने कहाँ चला गया। शुक्र है मेरी ढाल मेरे ही पास है, नागराज के उस इच्छाधारी नाग को मैंने सिर्फ न्याय स्तंभ ही दिया, ढाल का इंतजाम उसने अपनी शक्ति से स्वयं कर लिया। एक तो ये सभी कुशल योद्धा हैं, ऊपर से ये तादाद में भी ज़्यादा हैं, अब नागराज की ज़रूरत पड़ने वाली है। तिरंगा को मदद की आवश्यकता थी और वो उसे बहुत जल्द मिली नागराज के रूप में। नागराज कहाँ चले गए थे यार, उफ धार था। उसे खोजते खोजते शायद मैं ज़्यादा दूर निकल गया था, लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं है, मैंने अपने जासूस सर एसगार्ड के कोने कोने में छोड़ दिए हैं। अगर वो उसे खोज लेंगे तो हमें पता लग जाएगा, पर मुझे लगता है कि लोकी ने उसे यहाँ छिपाया होगा। लोकी जैसा शातिर उसे एसगार्ड में छिपाने की गलती नहीं करेगा, कुछ और सोचना होगा। टनाक टनाक। लेकिन पहले इनसे छुटकारा पाना होगा। समझो छुटकारा पा लिया। थोड़ी देर में ही सारे एसगार्ड सैनिक ढेर हो गए। आ, आ। एक तरीका है नागराज, उसके लिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा। आगे तो और भी सैनिक मिल सकते हैं, उन्हीं की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। आगे चलते रहो, मैं तुम्हें प्लान समझाता हूँ। और फिर नागराज उसे अपना प्लान समझाता चला गया। अब दिक्कत यह है कि हमारे पूछने पर क्या वह हमें सच बताएंगे, वो तो मुझ पर छोड़ दो। मीनवाइल न्यूयॉर्क, तो तुम तक मेरी आवाज़ पहुँच ही गई, मेरे लिए यहाँ रुकने का शुक्रिया। हाँ, लेकिन मेरा एसगार्ड न जाने का सिर्फ यही कारण नहीं है, बल्कि कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जानना है मुझे। क्या मुझे बता सकते हो कि वह कौन से सवाल हैं? बिल्कुल। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक सपना देखा जिसमें सभी सुपर हीरोज जिनसे अभी मैं हाल ही में मिला हूँ वह सब मर चुके हैं, सिर्फ तुम्हें और मुझे छोड़कर। इनमें से तिरंगा अपने अंतिम शब्दों में मुझे इन सब का जिम्मेदार ठहरा रहा था। वह कह रहा था कि मैं इस सबको रोक सकता था। हो सकता है वह सिर्फ एक सपना ही हो। नहीं, सिर्फ सपना तो नहीं हो सकता, ये मुझे आगाह कर रहा है उस आने वाली कयामत के लिए जिसे रोका जा सकता है। खैर ये सब छोड़ो और ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा? क्या बताना है मुझे? कुछ बताने से पहले मैं तुम्हारी शक्तियों के बारे में जानना चाहता हूँ, तुम्हारी संपूर्ण शक्तियों के बारे में। तुम इसे मेरी जिज्ञासा समझो या कुछ और, पर मेरे लिए ये जानना बहुत आवश्यक है। ऐसी भी क्या जिज्ञासा जाग उठी तुम्हारे मन में मेरी शक्तियों के प्रति? और वैसे भी मेरी शक्तियों के विषय में तो तुम्हें तुम्हारे वो साथी भी बता सकते हैं जिन्होंने हमारे टकराव से पहले हम सभी की शक्तियों का विश्लेषण किया था। उनके अनुसार तुमने अपनी कुंडलिनी के सातों चक्रों को जागृत कर लिया है जो तुम्हें अविजित बनाते हैं, किंतु इतनी जानकारी मेरे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर तुम वो पहले शख्स हो जिसने मुझे अपनी शारीरिक शक्ति से ही परास्त कर दिया। इससे पहले मुझे हराने वाले या तो क्रिप्टो नाइट अथवा मेरी किसी अन्य कमजोरी का लाभ ले रहे थे, या फिर वो द्वंद्व की कला में मुझसे तकनीकी रूप में अधिक सक्षम थे। सामान्य मानव में ऐसी शक्ति का वास्तविक कारण जाने बिना मुझे चैन नहीं आएगा। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। हमारे ब्रह्मांड का अस्तित्व पंच तत्वों से है और प्रत्येक तत्व का मूल आधार उसके सूक्ष्मतम कणों में उपस्थित वो कंपन है जो उसे उसकी स्थिति में बनाए रखते हैं, जिसे वर्तमान वैज्ञानिक लेप्टॉन्स, बोसॉन्स और क्वार्क्स कहते हैं। भिन्न आवृत्ति के कंपन भिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का निर्माण करते हैं और इन्हीं ऊर्जाओं के द्वारा ये ब्रह्मांड बना है।
मनुष्य का निर्माण करने के बाद रचयिता ने संसार की समस्त ऊर्जाओं के कुछ भाग को उसके शरीर में स्थापित किया और फिर उन्हें उनके कंपनों के आधार पर 114 भागों में विघटित कर दिया। इन ऊर्जाओं के केंद्र को ही चक्र कहते हैं। इनमें से अधिकांश चक्र मानव की आयु के एक निर्धारित पड़ाव पर स्वतः जागृत हो जाते हैं। यहाँ चक्र के जागृत होने का अर्थ कणों द्वारा कंपन आरंभ करना है, क्योंकि ये कंपन ही ऊर्जा निर्माण करते हैं। इनमें से 7 मुख्य चक्र, जिनमें सृष्टि की सर्वोच्च ऊर्जा यानी पंच तत्वों की ऊर्जा संरक्षित है, वो प्रायः सुप्त ही रहते हैं और इन्हें जागृत करने के लिए आदि योगी भगवान शिव द्वारा वर्णित अष्टांग योग की अत्यंत जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब प्रत्येक चक्र और उसमें समाई शक्तियों के बारे में भी जान ही लो। पहला है मूलाधार चक्र, जो पृथ्वी तत्व आधारित गुरुत्व ऊर्जा निर्मित करता है। इससे शरीर के कणों को सघन व विरल कर सकते हैं, यानी वज्र सा ठोस भी और रुई सा कोमल भी। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, जो जल तत्व आधारित ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके द्वारा तरलता, इंद्रियों पर नियंत्रण तथा दीर्घायु प्राप्त होती है। तीसरा है मणिपूरक चक्र, जो अग्नि तत्व आधारित ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित करता है और प्रकाश सी गति, असीम ज्ञान, हीट रेज, हीट विजन, वेदर कंट्रोल और सेल्फ हीलिंग जैसी क्षमताएं विकसित करता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इससे दूरदृष्टि, समय यात्रा, सम्मोहन, आयाम यात्रा, श्वास नियंत्रण, तीव्र वेग आदि प्राप्त होते हैं। पाँचवा चक्र है विशुद्ध चक्र, जो कि आकाश तत्व आधारित है। इसे जागृत करके आकार परिवर्तन, स्वयं अदृश्य होना एवं अदृश्य हुए को देख सकना, सूक्ष्म रहस्यों को जान लेना, रूप परिवर्तन करना, वस्तु के आकार व प्रकार को बदलना, दूर तक संवाद को पहुंचाना आदि किया जा सकता है। पंच तत्व आधारित इन चक्रों के अतिरिक्त के 2 अन्य चक्र हैं जो मनुष्य को ब्रह्म बना देते हैं, जिनमें घटसर छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जो मानव के मानस को परिष्कृत करता है और उसे टेलीपैथी, एक्सरे विजन, माइंड कंट्रोल, शक्ति स्थानांतरण आदि के साथ तीसरे नेत्र जैसी परम शक्ति भी प्रदान करता है। इसके बाद 7वां और आखिरी चक्र है सहस्त्राधार चक्र, जो टेलीपोर्टेशन, पर कायागमन, मृत को जीवित करना, मल्टीवर्स पर नियंत्रण व अन्य कई अकल्पनीय शक्ति देता है। वास्तव में इन सभी चक्रों को जागृत कर इंसान ईश्वरीय हो जाता है, लेकिन मेरी रचना का मूल उद्देश्य ईश्वर होना नहीं बल्कि सत्य रूपी प्रकाश की रक्षा करना था। इसलिए मेरे गुरुओं ने मेरे शरीर को हवन की ज्वाला में समर्पित कर पंच तत्वों में विघटित किया और प्रकृति द्वारा उन तत्वों को पुनः एकीकृत किया। ऐसा करके मेरा मानवीय अस्तित्व बचा रहा और मैं सामान्य इंसान रहते हुए भी शक्तिमान बन गया। आशा है अब तुम मेरी शक्तियों को समझ गए होगे। यानी ऐसा कुछ नहीं जो तुम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मेरी शक्तियां प्रकृति द्वारा दी गई हैं, इसलिए मैं उसके नियमों से बना हुआ हूं और उन्हें तोड़ने की स्थिति में मुझसे मेरी शक्तियां छिन भी सकती हैं। एक बार जब मैंने किसी को पुनर्जीवित किया था तब मेरी सारी शक्तियां लुप्त हो गई थी, पर सत्य की रक्षा हेतु सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करने की स्वतंत्रता मुझे। अब तुम बताओ कि क्या बताना चाहते थे। तुम्हारे अनुसार तुम्हारे सपने ने तुम्हें पूर्वाभास कराया है कि तुम स्थिति ठीक कर सकते हो, और जब मैंने रुद्राक्ष को उठाया था तो उसने मुझे कुछ दृश्य दिखाए थे जिन्हें मैं समझ नहीं सका था, पर चूंकि तुम्हारे सपने में मैं नहीं मरा था, इसलिए मुझे लगता है कि हम मिलकर सृष्टि को बचाने का कार्य कर सकते हैं। हो सकता है, पर यह बताओ कि क्या दिखाया है तुम्हें रुद्राक्ष ने। एक स्त्री भागती हुई जिसका नाम इंदिरा है, किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है शायद। वह आत्महत्या करने जा रही थी कि तभी एक गॉड ने उसे रोक लिया। वे शायद लॉर्ड शिव थे। उन्होंने किसी कुरुरक्ष की मृत्यु इंदिरा के जरिए होने बताया। उसकी मृत्यु इंदिरा के आंखों के सामने ही होगी और लॉर्ड शिव ने रुद्राक्ष को नष्ट करने का तरीका भी बताया, लेकिन रुद्राक्ष ने वह तरीका मुझे नहीं दिखाया। रुद्राक्ष को नष्ट करने का तरीका और कुरुरक्ष, कहीं कुरुरक्ष जिंदा तो नहीं है। सब कुछ और भी ज़्यादा उलझता जा रहा है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा एक मित्र जो अभी नहीं है न्यूयॉर्क में, जो अभी यहीं है न्यूयॉर्क में, मैं तुम्हें उसकी छवि दिखा देता हूँ। उसे तुम यहाँ ले आओ। मैं चाहता तो नहीं था उसे इसमें शामिल करना, लेकिन अब लगता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सुपरमैन जा चुका था। ये रुद्राक्ष तो बहुत उलझता जा रहा है। मुझे इस रुद्राक्ष का रहस्य जानना ही होगा। मुझे गुरुदेव के मार्गदर्शन की ज़रूरत है। शक्तिमान ध्यान केंद्रित करने लग जाता है। कुरुरक्ष के विषय में जानने के लिए पढ़ें FMC की कॉमिक्स जंग, जो कि चैनल पर अपलोड है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एडवेंट ऑफ डार्कनेस के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।